الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال في موضع آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم دوست وبزرگو और घरों में सुनने वाले मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें और बेटियाँ अल्लाह जल्ला शानों का बहुत ही बड़ा करम है एहसान है अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और दूसरा सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया दुआ फरमाए अल्लाह हमें इसकी कदर नसीब फरमाए से पहले वाली मस्जिद में आप हजरात के सामने मेराज के सिलसिले में चंद बातें जिक्र फरमाई थी उसमें एक बात की तरफ आपको अल्लामा शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्ब मुबारक है दिल मुबारक है उनको जमजम के पानी से धोया है उसके मुतालिक अल्लामा शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी बात लिखी है वो लिखा है कि कल्ब कुद्स को यानी पाक दिल को माए कुद्स से यानी पाक पानी से यानी उससे मुराद है जमजम यदे कुद्स ने यानी जिब्राइल के हाथों ने धोया यदे कुद्स ने धोया ताकि उलूमे मुकद्दसा आपके अंदर डाले जाए बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई थी तो वो बात मैं आपको कहने वाला था उसमें और भी एक बात है हिकमत की लेकिन चूँकि अब वो बात कहने जाऊँगा तो ये शाबान का महीना चल रहा है आप हजार जानते हैं कि शाबान की आज पाँचवीं तारीख हो गई छठी तारीख हो गई है लिहाजा शाबान के महीने की मुतालिक चंद बातें आपके सामने कहनी है दुआ फरमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़बान से सही बात निकलवा कर कुरान हदीस के मुतालिक अल्लाह मुझे भी और आपको भी उम्र के सारे मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए तो शाबान का महीना चल रहा है ये शाबान का महीना रमज़ान से पहले है इसके बाद मुकद्दस महीना आने वाला है बाबरकत महीना आने वाला है हदीस में आता है चंद रिवायात और शाबान के मुतल्लिक जितनी भी रिवायत आई है उलमाए किराम फरमाते हैं कि उस पर कमज़ोरी है ज़ौफ़ है कोई ना कोई रावी है उसकी वजह से वो हदीस कमज़ोर हो गई है जितनी भी रिवायत तकरीबन 11 रिवायात है लेकिन चूँकि
फजाइल के सिलसिले में वो रिवायत चल सकती है। इसलिए और इतनी सारी अहादीस को उलमा ने बयान फरमाने के बाद फरमाते हैं कि वो दर्जे हसन तक पहुंच जाती है। तो बहरहाल साबान के मुतालिक बहुत सारी रिवायात है और मैंने पहले भी बतला दिया कि वो ज़यीफ़ है, लेकिन उलमा ने फरमाया कि वो इतनी सारी रिवायात को जमा कर दिया जाए तो वो दर्जे हसन तक पहुँच जाती है। पहली सबसे बात तो ये है शाबान के मुतालिक रोज़ा रखने के मुतालिक। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की पहली रिवायत कि जिसमें अल्लाह हज़रत आयशा फरमाती रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कि शाबान के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। दूसरी रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल पाक असम से पूछा, दरिया फरमाया, अल्लाह के रसूल रमज़ान के बाद कौन सा महीना अफजल है रोज़े के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान का महीना, इसलिए कि ये रमज़ान की ताज़ीम के लिए है कि इसके बाद रमज़ान आने वाला है, उसकी इज्जत के लिए उसकी अजमत के लिए शाबान के महीने के रोज़े अफजल है। तीसरी रिवायत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो लगातार महीने रोज़ा रखते हुए नहीं देखा सिवाय शाबान और रमज़ान, सिवाय शाबान के, शाबान और रमज़ान के लगातार दो महीने अल्लाह के रसूल पाक वसल्लम रोज़ा रखते थे। एक और रिवायत, चौथी रिवायत, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बाप बेटे उसामा भी और ज़ैद भी, दोनों बाप बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते थे। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया कि शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखने की वजह क्या है कि क्यों शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते हैं, तो आप सब ने इशार फरमाया ये वो महीना है जो रजब और रमज़ान, जो रजब और रमज़ान के दरमियान में है, रजब और रमज़ान, रजब इसके बाद शाबान बीच में, उसके बाद रमज़ान, रजब और रमज़ान के दरमियान में है और बहुत सारे लोग इसमें गफलत में पड़े हुए हैं। हालांकि ये वो महीना है कि जिस महीने में उम्मत के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ मेरे आमाल इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़े से हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर शाबान के महीने में रोज़ा रखता हूँ। तो ये सारी रिवायतों से हमें पता चला, इतनी सारी रिवायत आपके सामने जिक्र फरमाई, इन सारी में सलमा, हज़रत अनस, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा और उसामा बिन ज़ैद, ये सारी रिवायतों से हमें समझ में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे। लिहाजा हमें एक काम तो ये करना है, अल्लाह तौफीक दे तो ज़्यादा रोज़े रखे, और ये न कर सके तो फिर 13, 14, 15 शाबान, और ये अय्याम बीज कहे जाते हैं। अय्याम बीज इसलिए कहते हैं कि उस वक्त चांद जो है सफेदी में आ जाता है, तो अय्याम बीज के रोज़े वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे हैं, तो अय्याम बीज के रोज़े रखे, वो 3 दिन के रखे वो ये रोज़े। अब ये तो हुई एक बात, अब इसके बारे में दूसरे बार की तब आपको इशारा करूँ। देखो अल्लाह ईमान वालों से बड़ी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला ईमान वालों से बड़ा प्यार करता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो आज मैंने खुतबे के दौरान पढ़ी, अल्लाह क्या फरमाते हैं, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करने वाला है, अल्लाह तो अजाब देना नहीं चाहता। अल्लाह के फरमाते वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह शुक्र करने वाला है तुम्हारा और जानने वाला है। यहाँ शुक्र से मुराद अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करेगा,
अल्लाह तुमको रहमत में डाल लेगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करेगा, ये मतलब है शुक्र का। लेकिन अगर मौलाना सफरी थानवी नवल्ला मनकदो फरमाते हैं कि उनका मतलब ये न लो बल्कि जाहिरी मतलब ही ले लो कि अल्लाह शुक्र करने वाला है। हकीम मौलाना सफरी थानी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तू मेरी मान कर चल, अगर तू मेरी मान कर चलेगा तो मैं खालिक होकर, मालिक होकर, जिसने मुझे और आपको पैदा फरमाया वो मेरा और आपका क्या अदा करेगा? शुक्रिया अदा करेगा। हकीम मौलाना सफरी थानी फरमाते हैं कि जाहिरी मतलब ही ले लो, अल्लाह मोमिनों से ईमान शर्त है, ईमान और शुक्र, ईमान और शुक्र करेंगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, वो क्या अल्लाह शाकिरन अलीमा। शाकिरन का एक मतलब जो दूसरे मुहदीसी ने बयान फरमाया वो भी मैंने आपको बतलाया, बख्शिश रहमत। और हकीम मौलाना सफरी थानी फरमाते हैं कि उसका वही मतलब ले लो, लफ्जी तर्जुमा ले लो, अल्लाह ये बतलाना चाहते हैं वो मेरे बंदे, तू मेरी मान कर चलेगा तो मैं खालिक होकर, मैं मालिक होकर, जिसने तुझे पैदा फरमाया, जिसने मुझे और आपको और सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो खालिक और मालिक मेरा और आपका शुक्रिया अदा करेगा। अल्लाह को मोमिनों से बड़ा प्यार है। अब हालात देता है, हालात भी मेरे और आपके लिए रहमत है। बुखार का आना, बीमारी का आना मेरे लिए और आपकी रहमत है। हदीस में आता है कि जब बुखार आता है, जब बुखार आता है तो उस आदमी के गुनाह ऐसे जलते हैं जैसे पतझर की मौसम है, जैसे पत्ते गिरते हैं सर्दियों से पहले, कैसे गिरते हैं ऐसे उनके गुनाह जल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो मोमिन के लिए बुखार का आना भी रहमत। मोमिन क्यों, अब हालात आते, आपके हालात क्यों आते हैं? ये तो कभी हमारा और आपका बच्चा नाराज हो जाता है जब कोई गलत काम करता है तो बाप क्या करता है, दो थप्पड़ मारता है। तो उसका ये मतलब थोड़ी कि बाप को उससे नफरत है, बाप को नफरत तो नहीं है ना उसके साथ, बल्कि बाप को तो मोहब्बत है कि गलत काम किया तो ये हालात अल्लाह देता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है, मसाइब डालता है, मुसीबत डालता है, लेकिन अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है। लेकिन ये ऐसा थोड़े हालात डालकर, मसाइब डालकर अल्लाह हमें मुतनब्बे करना चाहता है कहीं आगे न बढ़ जाना, कहीं और जगह मत चले जाना। बराबर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे, मेरे और आपके साथ अल्लाह ताला को बड़ी मोहब्बत है। लेकिन ऐसा करके भी देखो मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत साहब वसीउल्लाह फरमाते हैं जरा उसको भी तो आजमा लो, दुनिया वालों को तो आजमाया, अल्लाह को भी आजमा कर देखो, अल्लाह से मोहब्बत करके देखो वो खालिक और मालिक हमारे साथ कैसी मोहब्बत करता है। याद है हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, मिश्कात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह मेरे और आपके साथ नाम के साथ बात करेगा, नाम के साथ, ओ जैद, ओ बकर, ओ खालिद, ओ अली, ओ इस्माइल, ओ इब्राहिम, ओ इलियास, यानी सारे का नाम लेकर अल्लाह बात करेगा, अल्लाह हमसे फरमाएगा। और मेरे भाइयों अल्लाह हमसे बात करे, आज दुनिया में कोई आदमी ऐसा है कि जिसके 6-7 प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो तो अपना फोटो खिंचवाता है और फोटो खिंचवाकर अपने बेटे को देता है, बेटा उसको संभाल के रखना कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी बात हुई। या मेरा और आपका खालिक सारी कायनात को बनाने वाला वो हमसे बात करेगा, नाम के साथ बात करेगा, नाम के साथ नाम होगा और ये नाम के साथ बोलेगा, अल्लाह फरमाएगा। हालांकि उस आदमी के लिए, उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया होगा, वो जन्नत में जाने वाले होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे बार करके उनसे फरमाएगा, ए मेरे बंदे, ए बकर, ए खालिद, तूने फुलावत गुनाह किया था, क्या तुझे याद है? तूने फुलावत ये किया था, तूने फुलावत ये किया था। तो बंदा कहेगा, या अल्लाह तूने मेरे लिए जन्नत का फैसला तो कर दिया है, क्या फिर मुझे गुनाह याद दिलाता है? क्या गुनाह याद दिलाता है? क्या मेरे लिए जन्नत का फैसला नहीं है? मेरे बंदे, मैं तुझे इसलिए याद दिला रहा हूं कि एक वो तेरी जिंदगी थी और आज वो ये तेरी जिंदगी है, यहां मैं तुझे जन्नत में भेज दूंगा, लेकिन मैं तुझे खाली याद दिलाता हूं कि एक तेरी जिंदगी वो थी लेकिन मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया और माफ करके मैंने तेरे लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। और फिर अल्लाह उनको भेजेगा कि जा जन्नत में चला जा,
और वहां की नेमतों से आराम कर और फिर अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमाएगा। उजूहु यौमैज़िन नादिरा रब्बिहा नादिरा, कुछ चेहरे वहां तरोताजा होंगे, अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे, अल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। तो अल्लाह को मोमिनों से बड़ा प्यार है मेरे भाई, बड़ा प्यार है, लेकिन शर्त यह है कि ईमान। और याद रहे, आगे एक और रिवायत जिक्र करके जो बात मुझे कहनी हो मैं आपको समझा लूं। एक और रिवायत हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं जहन्नम से आखिर में निकलने वाले जन्नती को मैं जानता हूं। फिर अल्लाह के रसूल ने वो रिवायत बयान फरमाई, वो क्या है, अल्लाह उनको जहन्नम से निकालेगा, उनका मुंह जहन्नम की तरफ होगा और जहन्नम की जैसे हवा लगेगी और धूप लगेगी। जाहिर बात है आज बहुत ज्यादा गर्मी हो और गर्मी में जब आदमी बाहर जाता है उनकी हालत क्या हो जाती है, वो जहन्नम के किनारे पर होगा, उनका मुंह जहन्नम की तरफ होगा, तो वो वहां देखेगा तो अल्लाह से फरमाएगा, या अल्लाह मेरा मुंह इधर कर दो, या अल्लाह मेरा मुंह इधर कर दो। तो अल्लाह उनके लिए एक दरख्त निकालेगा, और अल्लाह दरख्त इसलिए निकालेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसलिए अल्लाह दरख्त निकालेगा कि अल्लाह उनको माफ करना चाहता है, अल्लाह उनको बख्शना चाहता है, अल्लाह उनकी मगफिरत करना चाहता है, अल्लाह एक दरख्त निकालेगा। तो वो बंदा अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह वहां मुझे इस दरख्त के पास भेज दो, अल्लाह उनको वहां दरख्त के पास भेज देगा। जब वो दरख्त के पास वहां जाएगा, वहां बैठेगा, आराम करेगा, फिर अल्लाह आगे एक और दरख्त निकालेगा, जब दूसरा दरख्त आगे निकालेगा तो अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह मुझे वहां भेज दो, मैं वहां चला जाऊं, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं इसके बाद अब नहीं मांगूंगा, अब मैं तेरे पास सवाल नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला अगर सच कहता है इब्ने आदम, तो मैं हाँ अल्लाह मैं अब नहीं मांगूंगा, मुझे वहां भेज दो, अल्लाह वहां भेजेगा। जब वहां भेजेगा तो फिर आगे अल्लाह एक और दरख्त निकालेगा, तो वो बंदा कहेगा, या अल्लाह मुझे वहां भेज दो, मुझे वहां भेज दो। तो अल्लाह फरमाएगा, अभी तो तू ना कहता था, अभी तो ये कहता था कि तेरी इज्जत की कसम, तेरी जलाल की कसम, मैं अब नहीं मांगूंगा, तू ही तो मुझसे सवाल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा जन्नत का सवाली है और मेरा बंदा मजबूर है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, मेरा बंदा मजबूर है और मेरा बंदा जन्नत में जाना चाहता है, इसे मुझसे बार बार सवाल करता है। वहां दरख्त निकालेगा, जब वहां पहुंचेगा तो वहां से जन्नत दिखाई देगी। तो अल्लाह से फरमाएगा, अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के पास भेज दो, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत के दरवाजे के पास भेज देगा। बार बार कसम खाकर कसम तोड़ेगा, फिर जन्नत के दरवाजे के पास जाएगा तो वहां की खुशियां और वहां का शोर, वहां की आवाज उनके कानों पर आएगी। तो अल्लाह से फरमाएगा, या अल्लाह मुझे जन्नत में ही भेज दो, मुझे जन्नत में भेज दो। अल्लाह उनको फरमाएगा, जा तुझे जन्नत में, तो अल्लाह उनको जन्नत में भेज देगा। मेरे भाइयों, ये हदीस बयान करते हुए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु हंसते हैं और अपने सागिदों से पूछते हैं कि तुम मुझे पूछते क्यों नहीं हो, कि तुम क्यों हंस रहे हो। फरमाया, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरा नबी भी इस हदीस को बयान करते हुए हंसता था और मेरा अल्लाह भी। अल्लाह के रसूल सबने पूछा कि आप क्यों हंस रहे, फरमाया मेरा अल्लाह भी इस हदीस को बयान करते हुए, इस बार को बयान करते हुए हंसता है, इसलिए मैं हंसता हूं। वह कहने का मकसद ये, अल्लाह को मोमिनों से बड़ा प्यार है। देखो याद रखना, हर इंसान के साथ नफ्स लगा हुआ है, शैतान लगा हुआ है, नफ्स और शैतान उसको गुनाहों की तरफ ले जाता है। हर आदमी, कोई आदमी गुनाहों से बच नहीं सकता, जब अल्लाह बचाए तो बच सकता है। अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, वो ये नहीं कह सकता है मैं पाक हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह उनको बचाए, अल्लाह उनको वली बनाना चाहे वली बना सकता है, अल्लाह के फजल से होता है। तो गुनाह शैतान लगा हुआ है, शैतान ने तो अल्लाह से वादा किया था कि मैं आगे से तुम खल्फी वन ईमानी वन शमाईनी, मैं तेरे बंदों पर हमला करूंगा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, और उनको गुमराह करने की कोशिश। शैतान ने तो ये वादा किया था, तो शैतान तो ये चाहता है कि अल्लाह के बंदे गुनाहों में लगे, गुनाहों के अंदर लगे। तो आर्मी बस दे, तो अल्लाह ने मुझे और आपको इन गुनाहों से अल्लाह से मांगने के लिए चंद रातें अता फरमाइए, चंद रातें। हर रात में आखिरी पहर में तहज्जुद से पहले ऐलान होता है, मेरे भाइयों दो रकात चार रकात तहज्जुद उठकर पढ़ लो, बड़ी प्यारी नमाज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पंच वक्ता नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। दो चार रकात उठाकर अल्लाह से मांग लो, वो अभी तो 6 बजे भी आराम से
आज 12 बजे भी सो जाओ, 6 बजे आपको 6 घंटे आराम से मिल जाएंगे, 6 बजे उठोगे तब भी आपको 2-4 रकात तहज्जुद की मिल जाएगी। तो रोजाना आखिरी पहर में अल्लाह ऐलान फरमाता है, है कोई मगफिर का तलब करने वाला मैं उनकी माफ कर दूं, है कोई आफियत का चाहने वाला मैं उनको आफियत दे दूं, है कोई मुसीबत जरा, है कोई रिस्क का तलबगार मैं उसको रिस्क। हर रात यह ऐलान होता है, हर रात यह। लेकिन बाद वो रास्ते हैं कि जिन रातों में अल्लाह मगरिब के बाद ऐलान करता है, उनमें से एक रात है शबे बारात। मैं और अभी अजमियों ने नाम रखा हुआ है, अरब हजार में उनका नाम है निस्फ़ मिन शाबान, उनका नाम है निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात, लेकिन हम उनको कहते हैं शबे बारात। तो शबे बारात तो वहां ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद, जैसा है गुरूब आफ्ताब हुआ तुले आफ्ताब तक मेरे भाइयों ऐलान होता रहता है, है कोई मगफिरत चाहने वाला। एक खाली यही रातें नहीं है, यही रात नहीं है, 15वीं शाबान की भी रात है, इसी तरीके से ईदेन की भी रातें हैं। हम ईदेन की रात को गफलत में निकाल लेते हैं, ईद उल फितर की रात, ईद का चांद हुआ, रमजान पूरी हुई तो हमसे बस छुट्टी हो गई, नहीं छुट्टी नहीं हुई, यह भी बड़ी बरकत वाली रात है। वहां भी मगरिब के बाद ऐलान होता है सुबह तक। ईद उल फितर की रात है, ईद उल अधा की रात है, अरफात की रात है। इन रातों में खुसूसी तौर पर शबे कदर है, इन रातों में अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। रमजान की सारी रातें हैं, उन रातों में अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है मगरिब के बाद, और हर रात में ये होता है, लेकिन आखिरी पहर में ऐसी रातों में मगरिब के बाद से शुरू हो जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, इन रातों में जब हमें मौका मिला है, जब हमें चांस मिला है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब आंखें बंद हो जाएगी पता नहीं है, लिहाजा हमें वक्त मिला है, हमें वो वक्त मिला है, अगर अल्लाह हमें वक्त दे तो हमें उस वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है, अल्लाह के सामने मांगना है। हदीस में आता है अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात को कबीले बनू कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाते हैं। चंद आदमियों की मगफिरत नहीं होती है, वो इंशाअल्लाह ताला उस दिन आपके सामने जिक्र की हो जाएगा। मुझे मेरे कहने का मकसद ये है, ऐसी मुबारक रात आती है चली जाती है, लेकिन हमें उसकी कदर करनी है। ये खाली यही नहीं है, मैंने पहले ही बतलाया ईदेन की रात, ये भी मुबारक वाली रात है, अरफा के दिन की रात यानी नबी अरफा का दिन, जो हाजियों का सबसे बड़ा रुकना होता है अरफा में जाना, वो भी बड़ी बहुत बड़ी रात है। इन रातों की हमें कदर करते हुए हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। तो अल्लाह की रहमत अल्लाह बहाना ढूंढती है, अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा आ जाए और मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। इसलिए मैंने पहले ही बताया, साहब रसूलल्लाह ने फरमाया, दुनिया वालों को तो बहुत आजमाया, अल्लाह को आजमा कर देखो, अल्लाह से मोहब्बत करके देखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ कैसा मामला फरमाता है। दुआ फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दिनों की अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आने वाले रमजान का मुबारक महीना आफियत तंदुरुस्ती के साथ नसीब फरमाए, इबादतों के साथ कुरान की तिलावतों के साथ नसीब फरमाए, और जो बातें कही सुनी अल्लाह मुझे भी और आपको भी उम्मत के सारे मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वा खुदा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानल्लाह बिहमदी सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।